केस पर जहां पर नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों आज सभी राजस्थान के नर्सेज को एक महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब लगे हुए हो या नहीं लगे हुए हो या जिन लोगों की अभी भी नर्सिंग पूरी हुई है, सभी राजस्थान के नर्सेज साथी इस वीडियो को पूरे ध्यान पूर्वक देखिए। साथियों केंद्र सरकार ने INC के साथ मिलकर नर्सों के रजिस्ट्रेशन के लिए और ट्रैकिंग के लिए एक सिस्टम बनाया है जिसमें सभी नर्सों की एक यूनिक आईडी बनेगी। उस यूनिक आईडी के द्वारा आपको बायोमेट्रिक पहचान है वो ली जाएगी और आपकी फोटो ली जाएगी, साथ ही साथ आपके जो भी एक आइडेंटिटी नंबर दे दी जाएंगी, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, उसके द्वारा सभी नर्सों का एक समान रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और नर्सिंग समाज में किसी तरह का फ्रॉड नहीं होगा और सभी को जॉब मिलने में भी आसानी होगी। तो राजस्थान के जिन नर्सेज ने अभी तक यूनिक आईडी नहीं बनवाई है उन लोगों के लिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ने एक मौका दिया है। पहले सभी जिलों में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अलग अलग जगह पे यूनिक आईडी बनाने का अलग अलग डेट पे प्रोग्राम था, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक यूनिक आईडी नहीं बनाई है वो लोग अब RNC में जाकर यूनिक आईडी बना सकते हैं। RNC ने इसके लिए फिक्स डेट दे दी है साथियों, तो इसमें आपको 22 नवंबर 2018 से RNC में यूनिक आईडी बनने स्टार्ट हो गई है जिसका नोटिफिकेशन आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं और 5 दिसंबर 2018 तक यूनिक आईडी आपकी बनने वाली है। यूनिक आईडी बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो भी आपकी नर्सिंग की लास्ट ईयर की मार्कशीट है वो लेके जानी है, आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपके पास है तो वो लेके जाना है, आपका आधार कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड बहुत ही जरूरी है, आपकी फोटो वहां पे खींच ली जाएगी, इसके अलावा आपके पास कोई और एसेंशियल डॉक्यूमेंट है और 10वीं और 12वीं की मार्कशीट भी आपको लेके जानी है। इन चीजों के साथ आपको RNC में जाना है वर्किंग आवर्स में और वर्किंग डे पे और 22 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2018 तक आप यूनिक आईडी बनाएं। यूनिक आईडी बनाना बहुत ही जरूरी है साथियों, क्योंकि यूनिक आईडी बनाने के बाद में आपको 30 घंटे का एक बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें आपकी स्किल्स को बढ़ावा मिलेगा और 5 साल के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यू किया जाएगा, उस टाइम भी 150 घंटे का प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा। तो नर्सिंग के जो प्रोफेशंस हैं, नर्सिंग के जो कार्य हैं, उनमें एक अच्छी ही क्वालिटी आएगी। तो ये थी महत्वपूर्ण सूचना राजस्थान के नर्सेज के लिए। इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ, सभी नर्सिंग भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।